तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं मल्टीक्राफ्ट, और ये तुम लोग देख रहे हो मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड का, मतलब सर्वाइवल वर्ल्ड ही है। तो ये मेरा एपिसोड नंबर 32 होने वाला है। तो भाई मतलब यहीं पर एंड है, एंड है, एंड है कहते हुए मुझे 32 एपिसोड तक हो चुके हैं। पर भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, कब एंड हो कोई दिक्कत हो रही है, मतलब आ नहीं पा रहा कुछ, मतलब जो मैं मंगाने की कह रहा था आ नहीं पा रहा, मतलब वो आ जाए एक बार सही, अपनी वीडियो यहाँ पर एंड हो जाएंगी। मतलब फिर मेरा एक और नया सर्वाइवल चैनल बनेगा, मतलब सर्वाइवल वर्ल्ड बनेगा। हाँ तो गाइस अब मैं बताता हूँ आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। तो भाई मेरा बहुत दिनों से विचार था, मैं सोच रहा था एक गोल्डन एप्पल का पहाड़ बनाऊं। तो भाई उसके लिए तो मतलब कितना गोल्ड एप्पल वगैरह कितना कुछ चाहिए, तो मैंने सोचा वो नहीं एक पिरामिड टाइप बना लेते हैं छोटा सा। तो भाई यहाँ पर मेरे पास 41 एप्पल हैं, 41। और भाई एक गोल्डन एप्पल बनाने के लिए हमको 4 वे लगते हैं, क्या कहते हैं, गोल्ड। और गोल्ड की अपने पास इतनी कमी तो नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ पहले तो तुम लोगों को कि मैं ये कहाँ से लाया हूँ एप्पल। तो एप्पल लाने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, पास ही में है, पर देर लगेगी फिर भी जाने में। तो यहाँ पर जो तुम लोग मेरे टूल वगैरह देख रहे हो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए भाई, इनको मैं दूसरी बार बनाने पड़ रहे हैं। हाँ तो भाई यहाँ पर इतने सारे ट्री लगे हुए हैं, ये भी एक एप्पल का ही पेड़ है, यहाँ पर है नहीं क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे तोड़े हैं इसमें से। तो भाई अब यहाँ पर एक भी एप्पल बचे नहीं है। तो हाँ मैं वहाँ पर अपने समुद्र में आगे जो मेरा वो था ना, क्या कहते हैं उससे, अरे नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पीकन, उसी के पीछे मैं वो पिरामिड टाइप बना रहा हूँ। इतना तो खास नहीं है, पर हाँ भाई कम से कम दिखाने के लिए इतना तो है कि हमारे पास एक गोल्डन एप्पल का भी पिरामिड है। तो अब मैं देख लेता हूँ रेसिपी क्या है गोल्डन एप्पल की। तो भाई गोल्डन 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 मिल गया, मिल गया, मिल गया। अबे यार गोल्डन एप्पल गायब हो रखा है, लिखना पड़ेगा क्या फालतू में। अरे आगे 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 अजीरा। हाँ तो गाइस ऐसे हमारे गोल्डन एप्पल बन जाएंगे। तो अब मैं बना लेता हूँ पूरे जितने भी बन सकते हैं। तो मैं पहले तो 20 बनाने की कोशिश करूँगा, 20 हमारे बन जाए तो अच्छा है। देख लेते हैं, तो थोड़ी सी वीडियो मैं कर देता हूँ फास्ट। तो भाई यहाँ पे हमारे 20 बन चुके हैं। तो अब मैं देख ले रहा हूँ और कितने बन जाएंगे, 7 बना के देख ले रहा हूँ और 700 शायद बन ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8 रख दिए फालतू में। हाँ तो शायद यहाँ पर भी हो चुके हैं। तो बाय द वे वैसे ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि मैं आज यही करने वाला हूँ, और मैं तुम लोगों को अपने थोड़ा सा वर्ल्ड का टूर भी दे दूँगा, तो वो भी तुम लोग अभी देख ही लेना। तो भाई यहाँ पर हमारे 2 और बन चुके हैं और हो चुका है अपना गोल्ड एकदम ख़त्म। मतलब ऐसा तो भाई अपना वर्ल्ड है, ऐसे थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे भाई, मैं तुम लोगों को दिखाता नहीं हूँ और कुछ ज़्यादातर बताता भी नहीं हूँ। ये जो दो वाले ये दो ट्री हाउस देख रहे हो ना, इनमें चेस्टें लगी हुई हैं, बहुत सारा खजाना बड़ा पड़ा है, पर वो मैं जब दिखाऊंगा जब मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। हो क्या जाएंगे, मुझे लग रहा है कि होंगे भी नहीं, मतलब तब तक तो मेरा चैनल ही ख़त्म, ये वाला जो वर्ल्ड है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अभी फालतू में चली आए, फालतू में चली आई, जिस चीज़ पे लगानी है वो तो अपन लेकर ही नहीं आए, मतलब वो क्या कहते हैं उन पे सामान लगाने वाला होता नहीं है। जैसे मैंने अपने म्यूजियम में, मतलब म्यूजियम टाइप जो बनाया उसमें लगा हुआ, ओ भाई अपना कार्सल जो लग रहा है, और ऊपर वो तुम लोग सन देख रहे हो ना भाई साहब, जो लग रहा है ना ये चीज़ें बहुत गजब की बनी हुई हैं अपनी। हाँ तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे और क्या बनाना है, शायद से बने रखे हो तो अच्छा है, वरना काम काम में दिमाग ख़राब होगा। मेरे पास शायद से पेपर रखे थे, हाँ उधर वाली चेस्ट में है। तो गाइस मैं थोड़ी सी वीडियो का, तो भाई मैंने यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो एक स्टैक से भी ज़्यादा ये बना लिए, इनका वैसे नाम क्या है, आइटम फ्रेम। हाँ तो मैंने वहाँ वाली चेस्ट में थोड़े बहुत रखवा दिए हैं, और भाई इनको बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने शुगर कैन वाले फार्म में जाना पड़ा, और भाई शुगर कैन वाला फार्म बहुत ज़्यादा ही अच्छा चलता है। कुछ मतलब पिछली इसी वीडियो के लिए मुझे ना गोल्ड चाहिए था ना, तो मुझे बहुत देर तक मतलब यहाँ पर ढूंढना पड़ा गोल्ड। और तुम लोगों को पता ही है मैं कौन सी वाली केव में जाता हूँ, ज़्यादातर अपने समुद्र के ही नीचे। भाई साहब जो वो केव है ना उसमें इतना कुछ मिलता है, वैसे यहाँ पे हमें दिखेगा तो नहीं खामखा, मैंने गलत जगह पर तो नहीं बना लिए ये। हाँ तो ये तुम लोग देख रहे हो ना यही वो है, इसी पे मैं बनाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर हमको पहले तो ऊंचे पर चढ़ना पड़ेगा इतना, तब हम लगा पाएंगे। तो लगाने के नहीं, इधर नहीं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पीछे और लगाएं।
हाँ यहाँ पर। तो भाई अब लगाते हैं। हाँ तो अब हम बराबरी पे यहाँ पर आ चुके हैं। और आइटम फ्रेम तो मैं वैसे सोच रहा हूँ ज़्यादा ही ले आया कुछ। गोल्डन एप्पल इतने होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं भाई, सब मुझे लग रहा है होंगे नहीं। तो भाई यहाँ से मैं सीधे सीधे चढ़ाऊँ तो लगाते ही जाते हैं गोल्डन एप्पल भी। ओ भाई ये लग चुके हैं अपने गोल्डन एप्पल। ओ भाई क्या बस लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पर मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर को ये चाहिए तो वो बोली भाई ले सकते हैं, पर लोगे कैसे, आ तो नहीं सकते इस वर्ल्ड में। वो बहुत सारे लोग मुझसे कह भी रहे थे कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड में आना चाहता हूँ, पर भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता मुझे पता नहीं। अगर हो सकता है ना तो मैं अपने नेक्स्ट वाले वर्ल्ड में तुम लोगों को भी लेना चाहूँगा। अगर हो सके ऐसा तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि ऐसा होगा भी कि नहीं, और होगा भी तो कैसे होगा। और हाँ गाइस मैं अपने सब्सक्राइबर को एक चांस भी देना चाहता हूँ, मतलब मेरी वीडियो में उनकी वीडियो लाने का। तो मैं बताता हूँ करना क्या होगा उसके लिए। उसके लिए तुमको अपनी एक वीडियो बनाकर मतलब डाल देनी है अपने चैनल पर, और मुझे मेरे मतलब नंबर क्या कहते हैं मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिख के बता दो भाई। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल कम पड़ रहे हो भाई, जो लग रहा है जो व्यू आ रहा है भाई तुम लोग देख रहे हो। देखो 3 2 1 तरीका, सच्ची में बहुत ज़्यादा मस्त व्यू आ रहा है। अगर ये वाले भी एप्पल आ जाए ना तो मैं सोच रहा हूँ ले आऊँगा, कोई बात थोड़ी है, इतनी तो मैं कर ही सकता हूँ। और भाई जो व्यू आ रहा है यही थंबनेल होने वाला है भाई, गोल्डन एप्पल ओ तेरी, इतने सारे वो भाई साहब मस्त लग रहा है भाई। तुम लोगों को कैसे लगे ये तुम लोग कमेंट में जरूर बता देना लिख के। ओ तेरी भाई देख देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। और भाई एक और चीज़ दिखाऊं, वीगन में इसमें कुछ अवेलेबिलिटी मिलती नहीं है, फालतू की चीज़ें इसमें टाइम वेस्ट करना है। और ये क्या, अबे तेरी भाई सची में बहुत तेज धक धक हो गई। ओ तेरी मैं टरफ गया, ये क्या हुआ, ऐसा भी होता है मुझे पता नहीं था भाई सची में। हाँ तो भाई इतना था, इतना सही था आज की वीडियो में। और भाई जो तुम लोग वर्ल्ड देख रहे हो, मैं जब भी इस वर्ल्ड का एंड होगा ना तब मैं इस वर्ल्ड का पूरा व्यू दिखा दूंगा तुम लोगों को एक बार में, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसको देखने के लिए तो तुम लोग सब्सक्राइब कर ही लेना। और हाँ भाई मेरा नेक्स्ट और मतलब मेरा एक और चैनल बन चुका है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, उसका नाम भी है, उसका नाम है विशाल शर्मा ब्लॉग वगैरह, ब्लॉग वगैरह आएंगे तो उनको भी देखना। और भाई दो ब्लॉग तो ऑलरेडी डाल दिए हैं, उनमें से एक तो वही वाला रावण वाला और दूसरा भाई जो मस्त है ना वो वाला, तो तुम लोग जरूर देखना। और भाई हमारे कार्सल में बहुत सारे चेंजेस तुम लोगों को देख ही रहे होंगे, जो मैंने किए ही हैं पिछली, मतलब ऐसे ही कर दिए हैं, मुझे पता नहीं था, मैंने वीडियो नहीं बनाई इनकी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो गाइस वीडियो तो तुम लोगों को पसंद आई ही होगी, और भाई ये देखो अपना फ्रंट हिस्सा, तो वीडियो तो तुम लोगों को पसंद आई ही होगी। तो पहले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू टुमारो।